Hi friends, welcome to the desk Deva English spoken class. Friends, a little, little, the little, few, a few, the few and some ka naam to suna hi hoga aapne. Bahut baar aapne use bhi kiya hoga, lekin kya aap jante hain ki in sabhi shabdon ka little, a little, few, a few, the few एंड सम का इस्तेमाल हम सही तरीके से सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं हम. तो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट दीज वर्ड्स. ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. मैंने लिख के रखा हुआ पहले से, यूज ऑफ फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल एंड सम. हम एक एक करके बारी बारी से आपको हम इन चीज़ों को समझाते जाते हैं कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब क्या होता है. ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, फ्यू, ऑफ फ्यू एंड द फ्यू, जिसका मतलब होता है फ्यू का मतलब और लिटिल का मतलब होता है अल्प, यानी बहुत ही कम, नहीं के बराबर. फ्यू और लिटल का मतलब होता है अल्प, यानी बहुत ही कम या नहीं के बराबर. हम बाद में आपको एक एक करके सेंटेंसेस के द्वारा हम समझाएंगे कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. अ फ्यू, अ लिटल, कुछ और थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ है, थोड़ा है. द फ्यू एंड द लिटल, यानी जो कुछ, जो भी थोड़ा, जैसा मैं मतलब बताता हूँ कि जो कुछ भी आपके पास है वो मुझे दे दो, यानी जो भी आपके पास शक्कर है या पैसे हैं वो मुझे दो, तो वो वाला जो कुछ या जो थोड़ा. अब फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउंस, काउंटेबल नाउंस मीन्स क्या होता है, काउंटेबल नाउन मीन्स मतलब, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है. एक काउंटेबल नाउन मीन्स जिसके हम गिनती करते हैं, जिसके हम गिनती करके बताते हैं, जैसे कुछ भी ले लो, काउस, ट्रीज, चेयर्स, मैन, बॉयज, ये सब काउंटेबल नाउन है. और ऑफ फ्यू, फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, यानी लिटिल का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसका हम गिनती नहीं करते हैं, जैसे शक्कर हो गया, चावल यानी राइस, मिल्क यानी दूध, ये सारी चीज़ें जो है, पैसे, पैसे भी अनकाउंटेबल नाउन में ही रखा गया है, हालांकि हम उसकी गिनती करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों अनकाउंटेबल नाउन में ही उसका गिना जाता है. सम, सम का इस्तेमाल हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ हम कर सकते हैं सम का इस्तेमाल. ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको मैं आप समझा चुका हूँ कि फ्यू और लिटिल का मतलब अल्प या बहुत ही कम या नहीं के बराबर. अ फ्यू, अ लिटिल का मतलब कुछ या थोड़ा. द फ्यू, द लिटिल का मतलब जो कुछ या जो थोड़ा. ठीक है फ्रेंड, तो हम चलिए अब हम एक एक करके सेंटेंसेस के द्वारा हम जानते हैं, समझते हैं इसको कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह से और कहां कहां करते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो आइए आप इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए. मैं एक एक करके रीड करता जाऊंगा इन सेंटेंसेस को और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि किस तरह से और कहां पर फ्यू लगता है, कहां पर अ फ्यू, कहां पर द फ्यू, कहां पर लिटिल, कहां पर अ लिटिल, कहां पर द लिटिल. ठीक है फ्रेंड, तो आइए. मेरे पास थोड़ा दूध है, तो जैसा कि मैंने पहले इससे पहले आपको बताया कि थोड़ा यानी थोड़ा, थोड़ी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अ लिटल और अ फ्यू, मीन्स काउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए लिटल और काउंटेबल के लिए फ्यू, मीन्स अगर थोड़ा होगा, थोड़ा होगा तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए अ लिटल और थोड़ा होगा तो काउंटेबल के लिए अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे हम. तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा दूध है, आई हैव अ लिटल राइस, सॉरी यहाँ पर मिल्क होगा, मैंने राइस लिख दिया है, मिल्क, आई हैव अ लिटल मिल्क. उसके बाद उसके पास थोड़ी गाय हैं, तो थोड़ी गाय, गाय मीन्स काउंटेबल नाउन है और थोड़ी है, इसके लिए यहाँ पर अ फ्यू आएगा, ही हैज़ अ फ्यू हॉर्सेस.
राम के पास न के बराबर पैसे हैं। जब भी न के बराबर हो सेंटेंसेस में, जब न के बराबर है कि उसके पास न के बराबर पैसे हैं, मेरे पास न के बराबर दूध है, तो इसमें काउंटेबल नाउन मीन्स काउंटेबल नाउन आएगा न के बराबर में, तो फ्यू का, सिर्फ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिर्फ लिटल का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ लिटल और फ्यू का मतलब भी होता है, अगर हम इसका कहीं किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब भी होता है ना के बराबर। ठीक है फ्रेंड, तो राम के पास ना के बराबर पैसे हैं। राम हैज़ लिटल मनी, मेरे नहीं के बराबर दोस्त हैं, यानी कि मेरे पास यानी मुझे यानी मेरा कोई दोस्त नहीं है, मतलब नहीं के बराबर है, इक्की दुखी है लेकिन ना के बराबर ही समझो, तो मेरे नहीं के बराबर दोस्त हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इतना आप याद रखना कि नहीं के बराबर जब भी सेंटेंस में आए तो अनकाउंटेबल के लिए लिटल, सिर्फ लिटल का इस्तेमाल करना है, और काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू का इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जो थोड़े पैसे तुम्हारे पास हैं मुझे दे दो। मिस, जो भी तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं, मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ कि भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो बोलता है नहीं है यार, तो मैं बोलूँगा कि आपके पास जो कुछ भी है वो मुझे दो, बस चल मेरा काम चल जाएगा उतना में। तो जो थोड़े पैसे तुम्हारे पास हैं मुझे दे दो। गिव मी द लिटल मनी यू हैव, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे कि गिव मी द मनी यू हैव लिटल, इस तरह के मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और इधर का उधर लिख देते हैं, लेकिन आप ध्यान देना कि जो थोड़े पैसे तुम्हारे पास हैं, गिव मी द लिटल मनी यू हैव, यहाँ पर द लिटल लगेगा, जो भी जो तुम्हारे पास, जो थोड़ा तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारे पास है, जो थोड़ा, जो कुछ भी थोड़ा है, उसके लिए हम द लिटल का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में सेंटेंसेस लिखा है, तो अगर काउंटेबल नाउन का सेंटेंसेस हो कि जैसे तुम्हारे पास जो भी कलमे हैं मुझे दे दो, तुम्हारे पास जो भी कलमे हैं, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए मैंने यहाँ पर द लिटल लिखा। अगर काउंटेबल नाउन के लिए हम करेंगे तो गिव मी द फ्यू पेन यू हैव, गिव मी द फ्यू पेन यू हैव। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, जो थोड़े दोस्त स्वार्थी थे। अब यहाँ पर क्या आ गया, काउंटेबल नाउन आ गया और जो थोड़ा आ गया, तो जो थोड़ा मीन्स अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो द लिटल, अगर काउंटेबल नाउन हो तो द फ्यू। जो थोड़े दोस्त थे स्वार्थी थे, द फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान दो कि द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड वर सेल्फिश। अब आप सोचेंगे यहाँ पर द लिटल पहले क्यों नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वर्ब आया है, मुझे दे दो, यहाँ पर वर्ब आ रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस आ रहा है लास्ट में, तो अगर वर्ब आएगा तो हम वर्ब को पहले लिखेंगे फिर द लिटल लिखेंगे, अगर यहाँ पर भी वर्ब आता तो हम वर्ब पहले लिखते फिर द फ्यू लिखते। जो थोड़े दोस्त थे स्वार्थी थे, तो द फ्यू फ्रेंड आई हैड वर सेल्फिश। अब इसको ले लीजिए, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, तो आई हैव सम बुक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों नाउन के साथ हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं तो आई हैव सम बुक्स, उसके पास कुछ दूध है तो ही हैज सम मिल्क। यहाँ पर हम दोनों ही सूरत में, दोनों ही हालात में मीन्स काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, दोनों तरह के नाउन में हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सम इज़ कॉमन, सम को हम कॉमन रखते हैं, दोनों तरह के नाउन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि अब फ्यू, द फ्यू, फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, ये सब अलग अलग हैं और इनका इस्तेमाल भी अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में होता है, अलग अलग अर्थ के लिए होता है, तो इनका आप ध्यान रखना और इसको आप समझ लेना अच्छी तरह से। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं आप इनको अच्छी तरह से एक बार देख लो और लिख लेना और समझ लेना। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये फ्यू लिटिल का इस्तेमाल हम कहाँ कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।